फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम कर लिए, रूट टू इज अ रैशनल इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज अ इरेशनल, मतलब कोई भी प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर होगा वो इरेशनल होगा, ये प्रूफ करना हम सीख गए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन स्क्रीन पे है तुम्हारे, देखो प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि मतलब पहले सपोज करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, तो लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर सच दैट ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब इसको हम मानेंगे 3 + 2 √5 इक्वल टू ए बाई बी, एंड वही सेम ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इज वन, ये को प्राइम हो गए। अब इसके बाद देखो क्या होगा, 3 को उधर हम भेजते हैं तो 2 √5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 3 हो रहा है, 2 से डिवाइड करो उधर ले चलो, रूट फाइव इक्वल टू ए अपान में 2b, तो ये 2 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, ऐसे लिख सकते हो। और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो ये 2b a माइनस 3b, बी एलसीएम लेकर के, ठीक है ना, 2b हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। यहां से देखो क्या पता चल रहा है, ठीक है ना, 2, 3, a and b, ये सब क्या है, आर इंटीजर्स, ये सब हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, सो a माइनस 3b अपॉन में 2b क्या होगा, इज रैशनल, ये रैशनल नंबर होगा, और इसके कारण क्या होगा, ये क्या बता रहा हमें, ये रैशनल होगा तो ये रूट फाइव भी क्या होगा, रूट फाइव इज रैशनल, ठीक है, तो रूट फाइव भी हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया, जबकि हमने क्या पढ़ा कि रूट फाइव इरेशनल होगा, तो ये इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स the fact that root 5 is irrational, यहां से rational दिखा रहा है जबकि हमें पता root 5 क्या है, irrational है। अब यह हुआ क्यों, this contradiction arise ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन क्या, दैट 3 + 2 √5 क्या है, इज रैशनल नंबर, इसका ये गलत मानने के कारण हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, so we conclude that क्या होगा, 3 + 2 √5 क्या होगा, is irrational number। तो ये complete हुआ हमारा इस तरह के question को, जब कभी भी जो first type का question किया उसके अलावा कुछ इस तरह का आएगा तो इस मेथड से हम इसको रैशनल या इरेशनल जो भी रहेगा प्रूफ करेंगे, तो इरेशनल नंबर हम ऐसे प्रूफ करते हैं। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा इरेशनल प्रूफ करने के लिए, समझ आ गया होगा, जहां कुछ कंफ्यूजन हुआ फिर से पूछ लेना, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी इतना नोट कर लो, ठीक है, थैंक यू।